हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें हम एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे कवर करेंगे और सारे बेसिक्स सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के। तो ये चैप्टर हम बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। तो आई होप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस में देखो कहाँ पे एप्लीकेशन होती है, कहाँ पे यूज़ होते हैं इंटीग्रल्स। कर्व्स के एरिया निकालने में यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास ये सिंपल कर्व है, सर्कल है, अगर हमें इसका रेडियस पता हो तो हम इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। ये स्क्वायर है, साइड पता हो एरिया निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास ट्रेपेजियम हो और हमें ग्राफ पे बना हुआ है तो हमें ये कोऑर्डिनेट तो पता होगा, ये भी पता होगा, ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी पता होंगे। तो ये हो गई हाइट, ये हो गई दो पैरेलल साइड्स, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं हाफ एच इंटू ए प्लस बी। पर अगर ट्रेपेजियम की जगह इस टाइप का फिगर आ जाए जिसमें कर्व है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। बेसिकली इसमें ये रेक्टेंगल बना के इस पार्ट का एरिया तो आ जाएगा, बट ये कर्व वाले पार्ट का जो एरिया होगा ना, ये निकालना हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। तो इस टाइप के एरियाज़ को निकालने के लिए इंटीग्रल्स यूज़ होते हैं। तो जैसे अगर इस टाइप का कर्व हो, हमें ये एरिया निकालना हो, इस कर्व के नीचे का एरिया जो कि एक्स एक्सिस के साथ एनक्लोज्ड है, बेसिकली हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया जो है, तो इसमें हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, ये वर्टिकल लाइंस जा रही है एक्स एक्सिस तक। तो अगर एक्स एक्सिस की ओर एरिया आ रहा है तो इस केस में एरिया का फॉर्मूला होगा वाई डी एक्स। इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो आर फ्रॉम ए टू बी। ए क्या होगा, ये एक्स की जो एरिया इनक्लोज्ड है ना, वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में इनक्लोज्ड है जो कि एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी में से पास कर रही हैं। जैसे एक एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा, एक एक्स इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा, इस टाइप से। तो बेसिकली अगर हमें एक्स की लिमिट्स गिवन हो, मतलब ईजिली हमें पता है एक्स की लिमिट्स, तो हम एक्स की लिमिट्स लगाएंगे इंटीग्रल में, एरिया लेंगे वाई डी एक्स। जिसकी लिमिट्स है ना, अगर x की लिमिट्स हैं तो यहाँ पे dx होगा और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू हम कर्व की जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें से निकालेंगे। तो ये एरिया जो था दैट वॉज गोइंग टूवर्ड्स x एक्सिस। अगर कर्व का एरिया जो है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स y एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा, y की भी हमें लिमिट्स गिवन होंगी। जैसे y इज इक्वल टू ए छोटा नंबर होगा, y इज इक्वल टू बी बड़ा नंबर होगा, तो y की लिमिट्स अगर लगानी है a टू b, तो यहाँ पे dy आएगा और यहाँ पे आएगा x। बेसिकली एरिया निकालने के जो दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, या तो y dx होगा तो लिमिट्स जो होंगी वो x की लिमिट्स होंगी, या एरिया होगा x dy। अगर x dy है तो लिमिट्स जो होंगी वो y की लिमिट्स होंगी, अगर dx है तो x की लिमिट्स होंगी, अगर dy है तो y की लिमिट्स होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार एरिया कर्व के नीचे x एक्सिस के नीचे आ जाता है तो वो क्या होगा, नेगेटिव एरिया आएगा, बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसीलिए टेक ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया। अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, मतलब एंड में एरिया नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉड के अंदर डाल दो और पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। एक और चीज़, ये जो एरिया आता है, जैसे हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि x एक्सिस के नीचे भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम y की वैल्यू लेते हैं, तो x जो होता है ना, x एक्सिस पे y की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो जहाँ पे वो x एक्सिस तक आएगा ना, तो वहीं तक का एरिया आएगा, उसके नीचे वाला एरिया नहीं आएगा। मतलब अगर हम इस कर्व से टूवर्ड्स x एक्सिस ले रहे हैं तो सिर्फ x एक्सिस तक का ही एरिया आएगा, उसके नीचे वाला एरिया नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम y एक्सिस तक ले रहे हैं तो y तक का ही एरिया आएगा, उसके उस साइड वाला एरिया नहीं आएगा। मतलब ओनली दिस मच एरिया विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये हमारे एरिया निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं। अब हमें
थोड़ा बहुत बेसिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है. तो पैराबोला जो होता है फोर टाइप का होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज़ राइट हैंडेड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. अगर इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है ना तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इज डाउनवर्ड पैराबोला. तो ये हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए पैराबोला के चारों टाइप्स की. देन वी हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. एच के जो होगा वो होगा सेंटर ऑफ सर्कल. एक सर्कल कैसे डिफाइन होता है, अगर हमें उसका सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, और यहाँ पे जो r होगा वो होगा रेडियस ऑफ सर्कल. अगर सर्कल का सेंटर 0, 0 है एंड रेडियस r की है तो उस केस में x square plus y square is equal to r square हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ x-axis. x-axis जो होता है तो x-axis पे क्योंकि y 0 होता है तो इक्वेशन ऑफ x-axis होती है y is equal to 0. इसी तरह y-axis पे x 0 होता है तो इसकी इक्वेशन होती है x is equal to 0. कई बार हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसका एरिया निकालो enclosed between this curve एंड y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2. तो हमें पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस. एलिप्स जो होगा या तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा या वर्टिकल एलिप्स होगा. हॉरिजॉन्टल एलिप्स में क्या होता है, जो मेजर एक्सिस होता है वो x एक्सिस पे होता है. तो इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b. जो x के नीचे वाली टर्म है इसमें हमने इसको a लिया है, तो इस साइड x के नीचे a है ना, तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा उसके कॉर्नर्स जो होंगे वर्टिसेस वो प्लस माइनस a जीरो होंगे. a जीरो इस साइड होगा, माइनस a जीरो इस साइड होगा, और इसका सेंटर जो होता है वो होता है 0, 0. और जो एलिप्स है ना वो सिमेट्रिकल फिगर है. सिमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट बन रहा है और नीचे वाला पार्ट है उसका एरिया सेम होगा, या फिर वाई एक्सिस के इस साइड वाला पार्ट या इस साइड वाला पार्ट उसका एरिया सेम होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये सिर्फ हम इतना एरिया निकाल दें और उसको 4 times कर दें तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा. अब है वर्टिकल एलिप्स. वर्टिकल एलिप्स में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स के नीचे बी है तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो यहाँ पे होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1. तो ये है इसका मेजर एक्सिस, तो ये होगा वर्टिकल एलिप्स. बेसिकली यहाँ पे a ग्रेटर देन b होता है, तो अगर a ग्रेटर देन b वाली टर्म, अगर जो a ग्रेटर है अगर वो x के नीचे है तो x वाली साइड बड़ी होएगी, अगर वो y के नीचे है तो y वाली साइड बड़ी होएगी. तो ये हो गई एलिप्स की दो इक्वेशंस. तो दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में मेजर एक्सिस होता है x एक्सिस, और वर्टिकल एलिप्स में मेजर एक्सिस इज y एक्सिस. अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. क्योंकि x के नीचे वाली टर्म बड़ी है सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, मतलब इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो x एक्सिस होगा. ये जो इसका ना फिगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके प्लॉट करना होता है, और प्लॉट करने के लिए जब हम बोर्ड एग्जाम में प्लॉट करेंगे, क्योंकि उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का भी ग्राफ का क्वेश्चन होता है, तो हमारी आंसर बुक में ग्राफ शीट्स प्रोवाइडेड होती है. तो अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन करने के बाद, मतलब अगर उसकी ग्राफ के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ चाहिए ही चाहिए, तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ग्राफ होता है तो इसका फिगर भी ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो इसको आंसर शीट में नाइसली, मतलब रफ सा, पेन से नहीं बनाना, पेंसिल से स्केल से प्रॉपरली बनाना है. तो यहाँ पे एलिप्स जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स. हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और x के नीचे है 4 स्क्वायर.
16 is 4 square, तो इसके जो vertices होएंगे, वो होएंगे plus minus 4, 0, और इसका figure plot करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, 0, this is minus 4, 0, अगर हम y के नीचे देखें, तो y square upon 9 है, 9 होता है 3 का square, तो इसका जो माइनर एक्सेस होएगा वो 0, 3 और 0, minus 3 होगा और इसको ले लो O, which is the center of ellipse. हमें इस पूरे एरिया, एलिप्स का पूरा रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. पूरे रीजन का मतलब ये पूरा जो चारों क्वाड्रेंट्स में जो रीजन आ रहा है ना एलिप्स का, उस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है. अब क्योंकि एलिप्स सिमेट्रिकल होता है तो हमें पूरे का एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ 1/4 रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सबसे पहले हम उस चीज़ को मेंशन करेंगे. सिंस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट, एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट x and y axis, therefore required area जो होगा वो होगा 4 times area of, इसको A ले लो, इसको बीच में B ले लो, इसको C ले लो, O A B C O इस तरह से लिखना है ताकि पता चले. अगर हम supposing इसको ऐसे लिख देते हैं ना O A C, तो O A C तो ऐसे कोई triangle भी बन सकता है, तो इसलिए जो हमने मेंशन किया है ना, तो उस हिसाब से क्या आ गया कि हमारा पूरा जो एरिया है ना पता चल गया किस चीज़ का एरिया है. ओ ए बी सी ओ, ये ओ टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ओ, इसका एरिया निकालेंगे. इसका एरिया निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला होता है या तो एक्स डी वाई होता है, उसमें वाई की लिमिट्स होती हैं, या वाई डी एक्स होता है जिसमें एक्स की लिमिट्स होती हैं. क्योंकि इसमें ये भी सोच सकते हो ना, ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रहा है, एक्चुअली इसमें ना मेंशन कर दिया करो जो लाइंस है ना, या तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस या टुवर्ड्स वाई एक्सिस. तो ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ले रहे हैं, टुवर्ड्स एक्सिस लेंगे तो हम वाई की लिमिट्स लेंगे. वैसे भी इसमें वैसे कोई भी लिमिट्स ले सकते हो, एक्स की भी हमें गिवन है, एक्स की लिमिट्स हैं 0 to 4, छोटी लिमिट को नीचे लेना है, बड़ी लिमिट को ऊपर लेना, और वाई की लिमिट्स हैं 0 to 3. तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स वाई डी एक्स, एक्स की लिमिट्स ले लेते हैं 0 to 4, क्योंकि अगर डी एक्स है तो एक्स की लिमिट्स लेंगे विच इज़ 0 to 4, क्योंकि यहाँ से है ना एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये आ जाएगा एरिया. तो अब y की वैल्यू हम एलिप्स की इक्वेशन से निकालेंगे. एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज 1. तो y स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16. जब हम एलसीएम लेंगे 16 माइनस x स्क्वायर आएगा, और ये 9 भी उस साइड ले जाओ, तो 9 बाय 16 रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये वैल्यू आएगी, तो y की जगह आया 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. 3/4 बाहर लिख दो, 0 to 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बार यूज़ होगा, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए. तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, दिस इज़ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. प्लस सी भी होता है, बट क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी की ज़रूरत नहीं है. ये 4 एंड 4 कैंसिल हो गया. अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस पार्ट को मैं हटा रही हूँ. तो एरिया इज 3, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x बाय 2, तो x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर है 16, 16 बाय 2 हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए इज 4, 0 to 4 होंगी लिमिट्स.
सबसे पहले हम इसमें 4 पुट करेंगे, 4 अपॉन 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 16 माइनस 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 4 बाय 4 इज 1। फिर जब हम 0 पुट करेंगे ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी, साइन इनवर्स x है ना तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2, तो ये 3 इंटू 4 पाई 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड दीज टू लाइंस। सर्कल जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको मेंशन कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। जैसे मैंने बताया था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जब सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर इज 0 0 एंड 2 स्क्वायर है तो वो रेडियस होगा 2। इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, तो ये सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से थोड़ा सिमेट्री दिखनी चाहिए, दिस इज़ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज़ वाई डैश एंड ये होगा 0 0। इसका रेडियस 2 है, अगर रेडियस 2 है तो इस साइड होगा 2 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो नेगेटिव होगा, ये होगा माइनस 2 0, दिस इज़ 0 2, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है ना, ये पूरे रेडियस हैं, ये सारे 0 0 होंगे, 2 0, मतलब सारे रेडियस जो है वो 2 होंगे, तो अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे उनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई एक्सिस, मतलब इसमें हमें इस सर्कल का एरिया और वाई एक्सिस के बीच का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है एंड x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 है ना तो x इज इक्वल टू 2 जो होगी वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और किस में से पास कर रही है, x इज इक्वल टू 2 में से पास कर रही है। हमें एरिया कौन सा निकालना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा, सो ये वाला एरिया हमें निकालना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से इनक्लोज हो गया और ये सर्कल का पार्ट आ गया और ये लाइंस x इज इक्वल टू 0 और ये 2। इसमें हमें क्लियर कट दिख रहा है x की लिमिट 0 से लेके 2 तक है, तो x की लिमिट्स वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा 0 टू 2 y dx। तो x इज इक्वल टू 2 हमने, क्योंकि लिमिट्स हमने x की यूज़ की है तो इसीलिए y dx लगा रहे हैं, अगर लिमिट्स x की हैं तो यहाँ पे dx होगा। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारे पास एक ही कर्व है जो कि सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन से आएगी, यहाँ से क्योंकि x square plus y square is equal to 4 है तो y square की वैल्यू होगी 4 minus x square, तो y की जगह आएगा root 4 minus x square, तो 2 square minus x square dx 0 to 2। अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था सेम फॉर्मूला, ये वही वाला जो फॉर्मूला है ना root a square minus x square, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है ये वाला, इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो इसका इंटीग्रल जो होता है x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो जाएगा x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम रहेगा, ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब x बाय x टू 2 0 टू 2। पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे विच इज़ 2, 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1, और यहाँ पे रूट 4 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 हो जाएगा विच इज़ 0, और यहाँ पे 4 अपॉन 2 इज़ 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1। फिर 0 लगाएंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, फिर ये वाली टर्म माइनस 2 साइन इनवर्स 0 ये भी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ एक टर्म बची 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, तो आंसर इज पाई स्क्वायर यूनिट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड लाइन वाई इज इक्वल टू 3।
y is equal to 3 जो लाइन है तो y is equal to 3 में से पास करेगी which is parallel to x axis. y square is equal to 4x है right handed parabola. राइट हैंडेड पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सिमेट्री होगी पैराबोला की. एंड वाई एक्सिस इज दिस लाइन एंड वाई इज इक्वल टू 3 यहीं कहीं होगा. हमें ये नहीं पता कि ये इसको कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा. तो एक बार ना हम चेक कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3 इसको कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा. मतलब कट कर रहा है तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है. तो व्हेन y इज इक्वल टू 3 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा. तो 9 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/4. तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 9/4, 3 होगा. बट खैर हमें ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली हमें जहाँ पे ये इसको कट कर रहा है इस पैराबोला के बीच y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3 के बीच का एरिया निकालना है. ये जो छोटा सा एरिया बन रहा है ना ये एरिया निकालना है. यहाँ पे y होगा 0, यहाँ पे दिख रहा है ना y एक्सिस की ओर है तो y की लिमिट्स ले लेते हैं. और यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स कर्व के देखते हैं यहाँ पे y होगा 0, यहाँ पे y होगा 3. तो एरिया जो होगा y की लिमिट्स ले रहे हैं 0 टू 3, तो यहाँ पे x dy होगा. अब x की वैल्यू कहाँ से आएगी? पैराबोला से आएगी. बेसिकली जो कर्व का हम लेते हैं ना एरिया, कर्व के एंड पॉइंट्स देखते हैं. तो कर्व के एंड पॉइंट्स, क्योंकि एरिया टुवर्ड्स y एक्सिस जा रहा है तो कोई भी ले सकते हो, x एक्सिस भी ले सकते हो अगर हमारे पास x की लिमिट्स हैं. तो x की लिमिट्स अगर लेनी है तो वो भी 0 टू 9/4 ले सकते हो, बट वो ना x एक्सिस के नीचे वाला आ जाएगा. y की लिमिट्स ले लो 0 टू 3 तो वो टुवर्ड्स y एक्सिस जाएगा, क्योंकि हमें टुवर्ड्स y एक्सिस वाला निकालना है. तो 0 टू 3 x dy होगा. और x की वैल्यू हमेशा इस कर्व से आती है, जो भी कर्व गिवन होता है. तो कर्व से जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो x आएगा y स्क्वायर बाय 4. सो दिस बिकम्स y स्क्वायर बाय 4 dy 0 टू 3, 4 को बाहर ले लो और y स्क्वायर का जो इंटीग्रल हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा 0 टू 3. इस 3 को भी बाहर ले लो, 1/12 बन गया. तो पहले y क्यूब लगेगा, मतलब 3 क्यूब होगा विच इज़ 27, फिर 0 क्यूब विच इज़ 0. तो ये हो गया एरिया 27/12, जो कि 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 4 12, 3 9 27, तो एरिया इज 9/4 स्क्वायर यूनिट्स. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन वाइज इज इक्वल टू 3x+2 एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1. सबसे पहले हम देखते हैं ये लाइन कैसे बनेगी. y इज इक्वल टू 3x+2, तो थोड़ा सा ना इसको प्लॉट करने के लिए 2-3 पॉइंट्स ले लो. तो एक तो x को 0 ले लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2. y को 0 ले लो एक बार ना 0 दोनों को लेके देख लिया करो. जब y को 0 लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3. तो एक बार अब x को 1 ले लेते हैं, तो x को जब 1 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5. प्लॉट करके देखते हैं, ये है x, दिस इज पॉजिटिव y, नेगेटिव x और नेगेटिव y. पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं थोड़े से, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और -1 -2. तो x जब 0 है y इज 2, ये पॉइंट हो गया. y जब 0 है x इज -2/3. -2/3 का मतलब है कुछ 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे कहीं होगा -2/3. और 1 के साथ है 5. तो हमारा ये जो लाइन का ग्राफ है ना ये कुछ ऐसे बन रहा है, y इज इक्वल टू 3x+2. बेसिकली हमें ये जानना था कि ये कहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है.
और एक्स एक्सिस तो देखो इधर आ ही गया, ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होगा ये और एक्स इज इक्वल टू वन होगा ये, तो हमें कैसे बना, किस चीज़ का एरिया निकालना है, हमें निकालना है ये जो येलो लाइंस है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन, इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस, और ये वाला जो है ये लाइन, ये ग्रीन लाइन येलो लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, तो एक्स एक्सिस इज दिस, तो इसमें जो हमारा एरिया बन रहा है देखो इस एक्स एक्सिस येलो एंड ग्रीन के बीच में एक ये एरिया बन रहा है और एक ये एरिया बन रहा है, तो हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान दो कि ये जो लेफ्ट, ये जो एरिया है ना नीचे वाला छोटा सा, वो एक्स एक्सिस के नीचे है, अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे है एरिया तो वो नेगेटिव आएगा, तो उसको पहले ही मॉड में रख लो, और ये वाला एरिया तो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमें एरिया निकालने के लिए ना एक्स की लिमिट्स लेना यूजफुल रहेगा। इस रीजन में देखो ये जो छोटा सा रीजन है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है और ये पॉइंट था एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, तो इसका एरिया माइनस वन टू माइनस टू बाई थ्री जा रहा है। पहले नीचे छोटी वाली लिमिट लेते हैं, ऊपर बड़ी वाली लिमिट लेते हैं, और इक्वेशन है y dx, y तो सेम ही रहेगा 3x plus 2, पर इसको लेना है मॉड में क्योंकि ये एरिया आएगा नेगेटिव, प्लस ये जो बड़ा वाला रीजन है इसमें x देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे है x इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री और यहाँ पे है x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन थी ना लाइन, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री टू वन y dx। अब y की वैल्यू पुट करोगे 3x प्लस 2 माइनस 1 टू माइनस 2 बाय 3 डी एक्स प्लस माइनस 2 टू 2 बाय 3 टू 1 3x प्लस 2 डी एक्स। इंटीग्रल जो होगा वो होगा 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, इसकी लिमिट्स जो हैं वो है माइनस वन टू माइनस टू बाई थ्री, इसको मॉड में रखना है, और इसमें भी थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स और इसकी लिमिट्स हैं माइनस टू बाय थ्री टू वन। पहले इसमें लगाते हैं, माइनस टू बाय थ्री जब लगाएंगे तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन वैसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमारी लिमिट्स आई थी तो इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दिया है। फर्स्ट वाला जो था नेगेटिव था क्योंकि दैट वाज बिलो एक्स एक्सिस। पहले हम एक्स की जगह माइनस टू बाई थ्री पुट करेंगे, माइनस टू बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा फोर बाय नाइन, तो थ्री बाय टू इंटू फोर बाय नाइन प्लस टू इंटू माइनस टू बाय थ्री, फिर हम माइनस साइन लेंगे, फिर माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर होगा वन, तो 3 बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2। ये जो पूरा है अभी फर्स्ट वाले का आया है और ये मॉड के अंदर रखना है अगर एरिया नेगेटिव आ जाए। अब यहाँ पे हम x की जगह पहले 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 बाय 2 प्लस 2 फिर माइनस साइन, फिर x की जगह माइनस 2 बाय 3 पुट करेंगे तो 3 बाय 2 इंटू ये हो जाएगा 4 बाय 9 और प्लस 2 इंटू माइनस 2 बाई 3, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 बाई 3 इज माइनस 4 बाई 3, 2 3 ये 2 बाई 3 हो गया एंड माइनस 4 बाई 3 और इसको भी ओपन कर दे माइनस 3 बाई 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये पार्ट है मॉड में। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स 2 बाय 3 माइनस 4 बाय 3 हो जाएगा माइनस 2 बाय 3, तो माइनस 2 बाय 3 माइनस 3 बाय 2 प्लस 2, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो ये माइनस 4 माइनस 9 प्लस 12 हो जाएगा, मॉड के अंदर लेना है, प्लस साइन, इसकी वैल्यू आ गई 12 माइनस 13 विच इज़ माइनस वन बाई सिक्स, माइनस वन बाई सिक्स जब मॉड से बाहर आएगा तो ये आएगा 1/6, तो इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसिल, 3 एंड 3 कैंसिल, माइनस 2 बाई 3 प्लस 4 बाई 3, 4 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 इज 2 बाई 3,
तो 3 by 2 plus 2 plus 2 by 3, इसमें भी जब हम LCM लेंगे तो 6 आएगा, 9 plus 12 plus 4, which is 25 by 6, और ये आया था minus 13 plus 12 minus 1 by 6 आया था, क्योंकि mod में है तो इसलिए इसकी positive value लेनी है, तो 1 by 6 plus 25 by 6 हो जाएगा, 26 by 6, जब इसको 2 से cancel करोगे तो ये आएगा 13 by 3 square units, जो कि इसका answer है. अब हमारा next question है, find the area bounded by the curve y is equal to cos x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. एक बार ना हम इसकी values देख लेते हैं, 0 to 2 pi, तो x cos x, तो x 0 होगा, pi by 2, pi, 3 pi by 2, एंड 2 पाई पे वैल्यूज देख लेते हैं. तो cos 0 इज 1, cos पाई बाय 2 इज 0, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 3 पाई बाय 2 जो होता है, इसको जैसे cos 3 पाई बाय 2 को पाई प्लस पाई बाय 2 लेके निकाल सकते हो, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाय 2, व्हिच इज अगेन 0. फिर उसके बाद इसकी वैल्यू होगी 2 पाई की वैल्यू फिर से 1 होगी. तो इसमें पैटर्न देख रहे हो, 1 0 फिर -1 0 फिर 1 आएगी. तो इस वे में इसकी वैल्यूज आएंगी जिसको हम प्लॉट करेंगे. इसको प्लॉट करने के लिए यहां पे हम लेंगे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई और y एक्सिस पे सिर्फ 1 एंड -1 लेंगे. cos 0 पे होता है 1, ये होगा cos pi by 2 पे होगा 0, cos pi पे होता है -1, cos 3 pi by 2 पे फिर से 0 एंड cos 2 pi पे 1. तो देखो इसका ऐसे कर्व बनाना है, लाइंस नहीं जॉइन करनी, इस वे से होगा बिटवीन pi टू 2 pi है ना. तो हमें एरिया कौन सा निकालना है, y is equal to cos x between x is equal to 0 एंड x is equal to 2 pi. तो बेसिकली ये एरिया आ गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया. ये जो फर्स्ट एरिया है 0 टू पाई बाय 2 है, तो एरिया जो होगा वो होगा 0 टू पाई बाय 2 y dx, क्योंकि हम लिमिट्स x की ले रहे हैं ना, y की जगह क्या आएगा cos x, प्लस फिर पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 पूरा एरिया x एक्सिस के नीचे है. तो जब भी x एक्सिस के नीचे होता है एरिया तो हम उसको क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं मॉड के अंदर, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा. तो y dx है, y की वैल्यू तो cos x है, तो सब में पहले ही cos x लिख देते हैं, इसमें भी cos x लिख देते हैं, प्लस इसको लेना है मॉड के अंदर, प्लस 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, ये भी y dx व्हिच इज cos x dx. cos x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है sin x, बस इसमें लिमिट से पुट करनी है. तो sin x है 0 टू पाई बाय 2, प्लस ये भी sin x होगा पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, पर इसको लेना है मॉड के अंदर, प्लस sin x ये होगा 2 पाई 2 3 पाई बाय 2. तो sin पाई बाय 2 माइनस 0, sin 0 हो जाएगा, और यहाँ पे sin 3 पाई बाय 2 माइनस sin पाई बाय 2 हो जाएगा, पर इसको हमें लेना है मॉड के अंदर क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, और ये भी sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई बाय 2 हो जाएगा. sin 3 पाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं sin पाई प्लस पाई बाय 2, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, विच इज माइनस sin पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू होती है -1. ऐसे याद रख सकते हो, sin 3 पाई बाय 2 इज -1, sin पाई बाय 2 होता है 1 माइनस 0, प्लस यहाँ पे 3 पाई बाय 2 इज -1, sin पाई बाय 2 भी 1, इसको मॉड के अंदर लेना है. sin 2 पाई, sin n पाई, sin पाई और sin 2 पाई, sin 3 पाई, वो सारे 0 होते हैं. तो ये हो जाएगा 0 माइनस sin 3 पाई बाय 2 इज -1, तो एक बार और माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा. तो ये हो गया 1, ये हो गया -2, -2 को मॉड के अंदर लिया है तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1. तो इस क्वेश्चन में जो गलती का चांस है वो ये है कि अगर हम गलती से इसको
माइनस टू ले लें, मॉडुलस ना लें, तो ये वन आएगा, ये माइनस टू, ये वन, फिर हम आंसर गलत लिख के आ जाएंगे, जीरो लिख के आ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया हो उसको हमेशा मॉड के अंदर लेना है, क्योंकि वो नेगेटिव ही आएगा, तो हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि एरिया जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। तो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल x एक्सिस। x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5 जो लाइंस है वो पैरेलल टू y एक्सिस होंगी, ऑब्वियसली पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5। बट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 कर्व बनाने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें प्लॉट करके देखना पड़ेगा। तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना, जैसे इसमें इतना नहीं पता चल रहा तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लिया करो, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़, जैसे x को माइनस टू ले लो, माइनस वन ले लो, ज़ीरो ले लो, वन ले लो, टू ले लो। तो माइनस टू रेज टू पावर 4 हो जाएगा 16, माइनस वन रेज टू पावर 4 हो जाएगा 1। यहाँ पे जब पुट करेंगे x को 0, y 0 आएगा, x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1, x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 16। तो y जो है वो हमारा जा रहा है 16 तक, और x की वैल्यू इधर माइनस वन, माइनस टू, यहाँ पे भी 1, 2, x इज इक्वल टू 5 भी हमें चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2, 3, यहाँ पे 4, 5, थोड़ा रफली सा ही ले लो, उधर y चाहिए 16 तक, तो 1, 2 कुछ यहाँ पे मे बी 10 होगा, तो मे बी यहाँ पे 16 होगा, ऐसे रफली प्लॉट कर लेते हैं। जब हम x को माइनस टू लेंगे तो y की वैल्यू 16 है, ये पॉइंट आ गया। x को माइनस वन लेंगे तो y 1 है, ये पॉइंट आ गया। 0 पे 0 है, फिर 1 पे 1 है, कोई इतना टाइम नहीं लगता प्लॉट करने में, एंड 2 पे 16 है। तो ये ना ऐसा अपवर्ड एक कर्व पैराबोला जैसा, पैराबोला सा बन गया, जो अपवर्ड पैराबोला है। तो ये तो कर्व बन गया, बाकी हमें चाहिए x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, x इज इक्वल टू 5 जो लाइन होगी वो इधर से कहीं आएगी। तो x इज इक्वल टू 5 पे ये जो हमने बनाया है उस अकॉर्डिंग कट नहीं कर रहा, बट ये हम प्लॉट करके देखेंगे कि अगर x इज इक्वल टू 5 हो तो y कहाँ पे कट करेगा, 2 रेज टू पावर नहीं, 5 रेज टू पावर 4 पे, मतलब 625 पे। वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम प्लॉट नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं इसको कट करेगा ही करेगा। तो ये जब कट करेंगे ना 5 एंड 625 पे कट करेंगे, तो ये हमें कट करना है, थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे बना लेना कि वो उसको भी कट करेगा। तो अब हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें एरिया चाहिए इस कर्व के बीच में, x इज इक्वल टू 1 के बीच में, x इज इक्वल टू 1 ये है, x इज इक्वल टू 5 के बीच में और x एक्सिस के बीच में, मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए होगा, राइट। तो एरिया में जो लिमिट्स हैं वो x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 5 की लिमिट्स हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो x की वैल्यू 1 टू 5 है। अगर x 1 टू 5 है तो हम y dx लेंगे एरिया में, हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू है x रेज टू पावर 4, तो x रेज टू पावर 4 dx 1 टू 5, x 5 अपॉन 5 हो जाएगा, ये रेज टू पावर 1 टू 5, 1 को बाहर, 1 बाय 5 को बाहर ले लो, x रेज टू पावर 5 मतलब 5 रेज टू पावर 5 माइनस 1 रेज टू पावर 5, तो ये आया 1 बाय 5, 5 रेज टू पावर 5 होगा 3125, 3125 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 3124 अपॉन 5। जब इसको हम डेसिमल में निकालेंगे आंसर, 5 6 30 2 10 4 28, 624.8 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 एंड इवेलुएट -6 to 0 मॉड x प्लस 3। सबसे पहले ना हम मॉड के ग्राफ समझते हैं, जैसे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे होगा। मॉड का ग्राफ जो होता है वो हमेशा v शेप ग्राफ होता है,
यहाँ पे x को जो भी मॉड के अंदर वाली टर्म है ना उसको जीरो पुट करके देखो, तो x को जीरो पुट करेंगे तो x जीरो ही आएगा ऑब्वियसली। तो इसका जो ग्राफ होगा ना जीरो से आएगा, जीरो से एक वी शेप ग्राफ होगा, इस वे में आएगा। अगर y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन हो, x माइनस वन को जब हम जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू वन आएगी। तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ पे x वन होगा, तो इस वन से ये वी शेप ग्राफ होगा, तो हमेशा इस वे में आएगा। अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन है तो x प्लस वन को जीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे x है माइनस वन, तो इसका x इज इक्वल टू माइनस वन से वी शेप ग्राफ आएगा। तो हमेशा इस टाइप का वी शेप ग्राफ आता है। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है मॉड x प्लस थ्री, तो इसमें पता तो चल गया होगा कि x प्लस थ्री को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री से ये वी शेप ग्राफ आएगा। पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका स्केच करना है ग्राफ, तो स्केच करने के लिए हमें थोड़ा सा ना पॉइंट्स लेके करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस थ्री, मॉड x प्लस थ्री की डेफिनेशन होती है या तो ये पॉजिटिव x प्लस थ्री होगा अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री, या नेगेटिव x प्लस थ्री होगा अगर x इज लेस देन माइनस थ्री। तो ये मॉड x की डेफिनेशन होती है, मॉड x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड मॉड x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन जीरो। अब देखो ये वाला पार्ट लेंगे, ये y ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x प्लस थ्री वाला पार्ट लेंगे। इसमें देखो x की वैल्यूज जो है क्वेश्चन में गिवन है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री होंगी, तो उसी अकॉर्डिंग लेंगे, माइनस थ्री लेंगे, माइनस टू ले लो, माइनस वन ले लो। तो माइनस थ्री से जो ग्रेटर वैल्यूज हैं उसी अकॉर्डिंग लेनी है, नहीं तो और कोई वैल्यूज नहीं लेनी। तो जब x को माइनस थ्री पुट करेंगे y आएगा जीरो, x को माइनस टू पुट करेंगे तो y आएगा वन, x को जब हम माइनस वन पुट करेंगे तो y आएगा टू। अब जब हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री का ग्राफ लेंगे तो इसमें बोला हुआ है, तो दिस इज बेसिकली माइनस एक्स माइनस थ्री, तो इसमें बोला है कि x लेस देन माइनस थ्री होगा। लेस देन माइनस थ्री मतलब उस साइड जाएगा माइनस थ्री के बियॉन्ड, तो माइनस फोर ले लो, माइनस फाइव ले लो, ऐसे ले लो वैल्यूज। तो माइनस फोर जब x को लोगे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा। माइनस फाइव जब लोगे तो फाइव माइनस थ्री टू हो जाएगा, माइनस सिक्स जब लोगे तो सिक्स माइनस थ्री थ्री हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यूज माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, और पॉजिटिव वाली साइड पे x है, पॉजिटिव वाली साइड पे तो है ही नहीं कोई वैल्यूज, वन टू थ्री, और y जो है वन टू थ्री तक ही जा रहा है, वन टू थ्री। तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, माइनस थ्री के साथ ज़ीरो है, माइनस टू के साथ वन है, और ये होगा माइनस वन के साथ टू। तो ये ग्राफ जो हो गया, ये पार्ट हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा वाला प्लॉट करेंगे, तो इसमें माइनस फोर के साथ वन, और माइनस फाइव के साथ टू, और माइनस सिक्स के साथ थ्री जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री का ग्राफ बनाना है हमें। अब इसका इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमने माइनस सिक्स तक ली है ना, तो ये वाला पार्ट का एरिया प्लस हमें इस साइड हमने जो वैल्यूज़ ली है थ्री तक, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ तक जा रही है, तो इस पार्ट का एरिया निकालना है। मतलब लिमिट्स हमें कैसे पता चलेंगे, यहाँ से माइनस सिक्स टू माइनस थ्री एंड माइनस थ्री टू ज़ीरो, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ इस साइड वाला पार्ट होगा जो कि लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस से है। तो जो हमारा इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस सिक्स टू माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस सिक्स टू माइनस थ्री वाले पार्ट में हमने वाई को लिया है माइनस एक्स प्लस थ्री, तो माइनस साइन बाहर लिख दो, यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस थ्री डी एक्स, फिर ये माइनस थ्री टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें
-6 to 0 के बीच में, जैसे -6 है और 0 उसके बीच में -3 आता है, तो -6 to -3 वाला ये हमारा ये पिंक वाला पार्ट है जिसमें y की वैल्यू है -x+3, और -3 to 0 के बीच में जो हमारा पार्ट है वो है x+3 वाला पार्ट। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 + 3x, लिमिट्स आर -6 to -3, इसके बाहर माइनस साइन भी है, प्लस ये भी सेम होगा x²/2 + 3x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -3 to 0। जब हम इसमें पहले वाले में लिमिट्स पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर सबसे पहले, तो -3 का स्क्वायर इज 9 upon 2, फिर 3 into -3 इज -9, ब्रैकेट आएगी, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर 36 upon 2 18 हो जाएगा, एंड -18 हो जाएगा, ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया, और इस पूरे के बाहर ना हमारा नेगेटिव साइन भी था, फर्स्ट वाली जो टर्म थी ना, तो ये इंटीग्रल है, नेगेटिव साइन ये फर्स्ट वाले का पार्ट, प्लस दूसरे वाले में जब ज़ीरो पुट करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म्स तो ज़ीरो ही आएंगी, फिर माइनस साइन, -3 पुट करेंगे तो 9/2 आएगा और -9 आएगा। तो इंटीग्रल जो हमारा बन गया, पहले फर्स्ट वाली ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, बाहर माइनस साइन है, -9 ये तो ज़ीरो हो गया, तो इसको हम ओपन ही कर लेते हैं क्योंकि 18 - 18 तो ज़ीरो हो गया। तो हमारा इंटीग्रल बन गया -9/2 + 9, और इधर भी जब ओपन करेंगे -9/2 + 9, सो 9 + 9 = 18, और -9/2 - -9/2 - 18/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 18 - 9, तो आंसर इज 9 square units। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब, तो क्यूबिक है ये इक्वेशन, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू x क्यूब के लिए ना हमें थोड़ा सा ग्राफ मतलब प्लॉट करके देखना पड़ेगा, तो इस टाइप के ग्राफ जिसमें थोड़ा डिफरेंट सा होता है वैल्यू मतलब इक्वेशन, उसमें ना 2-3 नेगेटिव वैल्यूज़ 2-3 पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लिया करो, x को -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो और 2 ले लो। जब x को -2 लेंगे तो y आएगा -2 का क्यूब - 8, देन -1 पे -1 का क्यूब विच इज़ -1, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 और 2 पे आएगा 8। तो हमारा जो x की वैल्यूज़ हैं -1, -2 और यहाँ पे 1, 2 और 3, तो ये 1, 2, 3, 4 कुछ यहाँ जाके आएगा 8। जब -2 पे होगा -8, तो इस साइड कहीं -8 आएगा, तो -2 पे होगा -8, -1 पे होगा -1, 0 पे 0 और 1 पे होगा 1 एंड 2 पे वैल्यू होगी 8। तो इसका जो कर्व बनेगा ना, ये y इज इक्वल टू x क्यूब का कुछ ऐसे बनेगा कर्व, y इज इक्वल टू x क्यूब। अब हमें चाहिए ये ही है इसका एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 ये लाइन आ गई, एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन आ गई, 1 में से पास कर रही है। तो हमें x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1 इस कर्व के नीचे का और x एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड दिस एरिया एंड दिस एरिया। तो ये एरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन पार्ट इज अबव x एक्सिस एंड वन इज बिलो x एक्सिस। बिलो x एक्सिस में जो x की लिमिट्स है -2 से लेके ये ओरिजिन है 0 तक जा रही है, तो -2 to 0 होगा y dx, प्लस ये जो अबव x एक्सिस है 0 से लेके यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, तो 0 to 1 जा रही है y dx। पर इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा फर्स्ट वाला एरिया, क्योंकि बिलो x एक्सिस है तो इसको हमें मॉड में रखना है। y की वैल्यू क्या है, y इज x क्यूब, तो x क्यूब पुट करेंगे, x क्यूब dx -2 to 0 ये मॉड में, और ये भी x क्यूब dx और ये लिमिट्स हैं 0 to 1, तो ये होएगा x 4 upon 4
limits are from minus 2 to 0 per mod mein, aur ye bhi x4 upon 4 and limits are from 0 to 1. Pehle hum isme upper limit put karenge to ye 0 aayega, fir minus sign, fir lower limit put karenge to minus 2 raised to power 4 is 16. 16 upon 4 ho jayega 4. Par isko mod mein rakhna hai, plus upper limit put karenge 1 by 4, lower limit put karne pe 0 aayega. ये minus 4 आ रहा है first term, but क्योंकि mod में है, तो जो area हो जाएगा, plus 4 हो जाएगा, plus 1 by 4, 4 plus 1 by 4 का answer होगा, 17 by 4 square units is the answer. अब हमारा next question है, area bounded by the curve y is equal to x mod x, x axis and ordinates x is equal to minus 1, x is equal to 1. Mod x की जो definition होती है वो होती है x if x greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0. पर यहाँ पे x mod x है, that means अगर x mod x होगा तो x mod x को हम कैसे लेंगे? अगर x greater than or equal to 0 या x less than 0, x greater than or equal to 0 पे mod x हो जाएगा x, तो ये x into x हो जाएगा x square and ये हो जाएगा minus x, तो minus x into x is minus x square हो जाएगा, तो basically ऐसे आएगा, y is equal to, ये y है, तो y is equal to x square जो होता है, वो होता है upward parabola, तो upward parabola and y is equal to minus x square is downward parabola, हम x is equal to minus 1 and 1 के बीच में से लेंगे, तो इसका जो graph बनेगा, तो वो basically कैसे बनेगा, इसमें पूरा parabola बनाने की जरूरत नहीं है, x is equal to minus 1, x is equal to 1, तो इसमें क्या करोगे, y is equal to x square का ना, ये वाला part बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला part बना दो, and x is equal to 1, और यहाँ पे x is equal to minus 1, और इसका downward parabola ऐसे है ना, ऐसे downward parabola, तो सिर्फ ये वाला part लेना है, तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि हमें x axis के बीच का area निकालना है ना, देखो एक बार फिर से समझो, क्योंकि ये y is equal to x square ऐसे आएगा और y is equal to minus x square ऐसे आएगा पर हमें इसको x is equal to minus 1 और x axis के साथ लेना है सिर्फ एक ही पार्ट लेना है तो यहाँ पे हमें y is equal to जो x square वाला है सिर्फ ये वाला पार्ट बनाएंगे और इसका सिर्फ ये वाला पार्ट बनाएंगे सिर्फ ये पार्ट लेंगे ये पार्ट लेने की जरूरत नहीं है तो हमारा जो कर्व बन जाएगा वो बन जाएगा एक तो ये बन गया और एक ये बन गया सो यहाँ पे है x is equal to minus 1 और यहाँ पे है x is equal to 1 यहाँ पे कर्व की इक्वेशन है minus x square क्योंकि बिलो x axis है और यहाँ पे कर्व की इक्वेशन है y is equal to x square और यहाँ पे है y is equal to minus x square तो ये एरिया निकालना है नीचे वाला जो कर्व है उसके लिए x की लिमिट्स है minus 1 to 0 तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा minus 1 to 0 y dx plus 0 to 1 y dx होगा तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी इसको y1 y2 ले लो क्योंकि y की वैल्यूज अलग है यहां पे y1 की वैल्यू जो आएगी minus x square आएगी तो minus x square dx minus 1 to 0 mod के अंदर लेना है plus ये हो जाएगा x square dx 0 to 1 तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा x cube upon 3 minus 1 to 0 और ये mod में ले लो अभी plus ये भी हो जाएगा x cube upon 3 0 to 1 ये 0 upon 3 minus sign फिर negative लगेगा तो minus 1 by 3 आएगा पहले upper limit लगाई तो 0 upon 3 आ गया फिर माइनस साइन लगाते हैं तो 0.3 लगाया माइनस साइन लगाया फिर लोअर लिमिट लगाई तो माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1 बाय 3 और पूरे के बाहर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है प्लस यहां पे भी 1 बाय 3 पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट ये वाला पार्ट जो है वो मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर देखो ये प्लस 1 बाय 3 हो गया 0.3 तो 0 हो जाएगा प्लस 1 by 3 और बाहर माइनस है तो माइनस 1 by 3 हो गया और ये भी 1 by 3 क्योंकि mod है तो 1 by 3 plus 1 by 3 so answer is 2 by 3 square units तो इसके साथ हमारा जो NCERT में application of integrals AOI chapter के सारे important questions और basics cover होते हैं तो इन videos को follow करते रहे तो for your 100% preparation in
maths board exam 2024. So keep on watching and please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.